जय श्री नारायण। कन कन पत्थर हर हर महादेव है, यहाँ के पत्थरों की जो पूजा। तो यहाँ दूसरी बार आना हुआ है, अच्छा लगा, पुरानी यादें ताजा हो गई। अगर किसी को विवाह बाधा से संबंधित किसी प्रकार नर्मदा अभी स्नान होगा अभी हम लोगों का, और ऐसा माना जाता है नर्मदा नदी में नहाने से सारे पाप दोष सारे समाप्त तो हो जाते हैं। नदियों में तो नहाया जाता है, सबका अलग अलग अपना महत्व बताया गया है, लेकिन इस नदी का विशेष महत्व बताया गया है कि जन्मों जन्म के आपके पाप कष्ट दुख पीड़ा सब ये नर्मदा आपको इतना शक्ति रखती है जो सबको हर लेने में समर्थ इन्हें प्राप्त है इस नदी का। और इसके बारे में अधिक जानकारी मैं दूंगा, अभी फिलहाल स्नान करने जा रहा हूं और उसके बाद मैं भ्रमण अभी जारी रहेगा। और यहां का सौंदर्य तो अति सुंदर है। नर्मदा नदी पे अभी हम लोग आ चुके हैं, अब यहां पे हम लोग हर नर्मदे ज्यादा पानी है ना। अरे हम लोग घूमने आए थे बड़ा नदी में नर्मदे नहा करके तो यहाँ का जल एकदम बिल्कुल शीतल है। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग अभी होटलों में भोजन वगैरह भी करते हुए ही आ रहे थे, यहाँ का आपका पानी मतलब इतना अच्छा मिलेगा मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। यह इतना पवित्र है, किसी भी दोष को मिटाने में समर्थ रखता है। यहाँ मनुष्य के कुंडली में स्थित जो ग्रह बाधा से भी जो पीड़ित है उन्हें भी शांत करने का स्नान करने से मंगल शनि राहु केतु के दोष तो इस जल के स्नान मात्र से ही दूर हो जाते हैं। विशेषकर शनिचरी अमावस्या के दिन इसके स्नान से कई बाहरी हानिकारक शक्तियां से आपको बचने का शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जन्म कुंडली में यदि आपका सर्प या नाग दोष है, अमावस्या के दिन इसके जल में चांदी से निर्मित नाग का संस्कार कर विसर्जन करने से इस दोष का से शांति मिलेगी। भगवान शंकर से ही उत्पन्न होने के कारण नर्मदा नदी की जो शक्ति है स्नान करने से और दर्शन करने से सूर्य के समान धैर्य और गुरु के समान धार्मिकता कार्य करने में आपको बल प्राप्त होगा। हर घाट है पवित्रता का वास, जहाँ यह नर्मदा नदी विराजमान है अमरकंटक के जंगलों में अनूपपुर जिला अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा विश्व का मात्र तट पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं और नर्मदा का कुछ विशेषता हमारे गुरु भाई कुछ आज आप लोगों के बीच बतलाएंगे। इनके साथ आए थे हम नर्मदा स्नान करने के लिए, इनके साथ भी और ये गुरु भाई के साथ भी। तो नर्मदा के बारे में हर नर्मदी माँ नर्मदी की जो कृपा है स्वयं की पसीने से निकली हुई है, स्वयं महादेव का अंश है। यमुना तीन बार, गंगा एक बार, नर्मदा सिर्फ दर्शन बराबर, दर्शन मात्र से ही आपकी भूमि की बराबरी है। माँ नर्मदे की कृपा हर विषय में बोला जाता है कि यहाँ हर हर कन कन पत्थर हर हर महादेव है। यहाँ के पत्थरों की जो पूजा हो जाती है डायरेक्ट वो शिवलिंग रूप में ही स्थापित हो किए जाता है। मुझे बता, तो यहाँ दूसरी बार आना हुआ है, अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, दूसरी बार आकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के
जो वन है, जो अदृश्य शक्तियाँ लपेटे हुए, और इस नदी पे आपको स्नान करने के बाद कुछ उसके बारे में कुछ तो देखिए, ये ऐसा वातावरण है कि आप यहाँ आकर जीवन का जो वैलिडिटी है वह बढ़ा सकते हैं। आपको आने के बाद ही, आपको पहला ही दिन आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ आने के बाद मनुष्य का जो उम्र है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाना ही अनुभव अंदर से होगा कि बढ़ जाएगा। और यहाँ के प्रत्येक हवा में भी शक्ति छिपा हुआ, जो कि आप यहाँ पे आएंगे तो ही आप इसका आनंद और लुप्त ले पाएंगे। जैसे कि पिछले बार भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि गंगे गंगे कहने से नहीं, गंगा नहाना भी पड़ेगा। तो इसी प्रकार से खाना यहाँ मतलब आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अमरकंटक लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय करता है, और यह नर्मदा नदी गुजरात के खंबत में अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाता है। अरब सागर में जाकर के यह नदी मिल जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी को विवाह बाधा से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी हो, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, और अगर विवाह बाधा से अगर आपको परेशानी है तो वो आप नर्मदा नदी का स्नान करें, और पहले जाकर के शिव और पार्वती का पूजन करें, तो उससे इस समस्या में हो रही बाधाओं से आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और फिर पूरे अभी ये दर्शन जो हमारा जारी है वो आपको हमारे नायक दास श्री माले यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा जल्द ही। जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय गुरु। नर्मदा के लाए पत्थरों को शिवलिंग के रूप में पूजने के प्राण प्रतिष्ठित नहीं करनी होती है। ऐसा ही मान्यता है कि जो भी अगर शिवलिंग आप नर्मदा नदी से लेकर के आते हैं वहां से, तो ऐसा माना गया है कि उसको प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। वह वहाँ के प्रत्येक पत्थर स्वयं प्राण प्रतिष्ठित एवं चेतना से भरा पड़ा है। जय सीताराम, ओम शंकर, जय बाबा जी, जय शंकर, तेनात जो तेनात, और बाबा लोगों के साथ आदेश।